इसमें एलविश यादव का नाम आ रहा है कि एलविश यादव भी इस पूरी घटना में शामिल था क्या? एलविश यादव जो कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है वो इस गाड़ी में था? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो ये मनमोहन है जिनकी गाड़ी है, इनका जो लड़का है उसका वो दोस्त है, तो उसने कभी इनकी गाड़ी यूज की होगी अपने यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, अदरवाइज उसका यहाँ कोई रहा। यानी एलविश यादव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें? नहीं इसमें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच भाई। बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीटू भाई का। टीटू भाई का? टीटू भाई ठीक हो? हाँ जी भाई। भाई कल जो शरीर दुख रहा भाई, पब्लिक ने बहुत कल जो मीटअप में हम लोग गए थे, जिसको नहीं पता भाई वो टीटू भाई का ही मीटअप था एक तरीके से। शिवम कार इंटेयर। शिवम कौन है आपका नाम? असली नाम शिवम है भाई? मैंने कल इतनी बार पूछी, मैंने कि भाई टीटू भाई का सही नाम क्या? उन्होंने कहा टीटू ही है भाई, हमारे गांव में तो टीटू है, हम तो टीटू बोल रहे हैं भाई। तो भाई कल कैसा रहा मीटअप? बढ़िया रहा भाई मीटअप। तो बड़ी भीड़ आ गई? बढ़िया भाई यार, नींद ना आई, पब्लिक ने कोहनी मार मार के पसली बैठा थी। मेरे तो सुबह दर्द हुआ, मैं हॉस्पिटल गया। और भाई की गाड़ी लेके आए हम, भाई हमारी गाड़ी लेके आए, मैं कह रहा हूँ उसकी वो तो ना उतर की पीपीए वगैरह भाई, वहाँ का कुछ भी ना हुआ भाई, वहाँ की उंगली टच ना होती। फरीदाबाद है, बहुत प्यार कर रहे हैं फरीदाबाद के लोग, जैसे हम करें। हाँ भाई फरीदाबाद। और फरीदाबाद की गाड़ी के साथ क्या कर दिया फरीदाबाद के लोग? मेरी गाड़ी पे चढ़ के कूद कूद के गाड़ी तोड़ दी, यहाँ गुड़गांव खड़ी करके जाएंगे, वहाँ फॉर्च्यून टोयोटा है भाई, पूरी ओके होगी भाई, कोई दिक्कत पूरी ओके होगी, नहीं लेंगे अब भाई। उसका पता क्या, रिवर्स करते ना सारे सेंसर बदल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अनु भाई वहाँ चलना एक बारी। कहाँ? गमले ठाण भाई, देखो अगर 0004 कहीं भी गमले उठा रही है तो समझो हो मैं चला रहा हूँ। टीटू टीटू उठा रहा हूँ भाई क्योंकि फरीदाबाद की गाड़ी है भाई, टीटू गमला चुरा रहा है 0004। गुड़गांव में पूरे गुड़गांव कहते हैं गमले चोरी हो, गाड़ी चोरी हो, कुछ भी चोरी हो भाई चुरा रहा है। हाँ भाई और क्या, जब गाड़ी में बैठ लिया भाई वो तेरी ठीक। और जो वीडियो में कोई बोलो बोलो जो वीडियो में कोई आर्टिस्ट आए वे भी तेरे भाई। दिमाग का गंद निकालो अनु भाई। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारा जिम का टाइम था, पर नुकेरा मुझे वो काम है। क्या काम है? गाड़ी का। गाड़ी का क्या काम? गाड़ी है थोड़ा सा लोन लेना भाई। गाड़ी का लोन लेना है भाई? वाह, तो दो दे दो भाई पैसे। मुझे या बैठ के या खोल दे या मैं तो निकाल वे गड्डी भरी रखे ठीक है, लोन फोन के चक्कर में पड़ रहे हैं बालक। ये सारी चीजें जितनी अनु भाई बिल्कुल सच है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, इसमें से खोलना है ना अनु भाई? हाँ भाई। लो भाई इसमें पड़े हैं ये शीशे के गिलास और क्या क्या पड़ा, पन्ने, पन्ने के अंदर कुछ है? पन्ने के अंदर गत्ता, कुछ भी नहीं। पन्ने के अंदर ही तो है, पन्ने के अंदर क्यों ना दिखा रहा भाई? भाई मैं इतनी मेहनत से सोचू कि आज जिम जाऊंगा, मैंने केड़ा वेड़ा सारी कटारे का फोन आ गया सारे भाई, एक जाने बैठ जाएंगे। लो हाँ भाई कटारिया। अरे जय पूछ रहा कि तो मैं अनु भाई, लक्ष्य भाई या टीटू भाई, हम सारे बैठे हैं मेरे घर पे। भाई फोन आ रहा आपका, कौन से फरे वहां पे भाई? वजीराबाद आ जा। आ जा रे, तेरे लिए कुछ लेके आए हैं, तेरे लिए कुछ मीठो लेके आए हैं कटारिया। हां आता हूं भाई, आता टिकटॉक तो ठाक है, जल्दी आ जा। कितनी देर तक हूं वहां पे? हम तो यहीं हैं सदा, आ जा भाई। तो रुक रुक के रखना, आ रहा हूं आधे घंटे में पहुंच। आ जा आ जा भाई, रुकना पड़ेगा अब तो कटारे ने। वो कहां पीली वाड़ी अपनी पीली वाड़ी? वो तो मैंने तो छुपा के खड़ी कर रखी है, आपने देखी नहीं क्या? दिखा के लाऊंगा मीटअप पे ले जाएंगे ना भाई। भाई अगर मैं पोर्श मीटअप पे ले जाता ना, चार जने उठा के ले जाते गाड़ी। जो हमारे गांव में खड़ी रहती भाई, हमारे गांव में रहती, चद्दर मिलती ना, उसकी सीट मिलती ना, उसका हैंडल मिलता ना, उसका वो लोगो मिलता भाई, लाइट। फरीदाबाद के लोगों को ये कह रहा? नहीं भाई, सब इतना प्यार करते उठा के ले जाते ना भाई, कुछ तो चाहिए है ना। पोर्श तो जिंदगी में ना लेकर निकलू, फरीदाबाद साइड निकलूंगा खुद रात में 2-3 बजे, ताकि कुत्ते पीछे पड़ जाए ना, ताकि कोई अंडा मारे शीशे पैर मैंने गाड़ी चुरा ले। पर अनु भाई ने अभी तक नहीं देखी, आप सही बताओ। कसम से मैंने ना देखी भाई, आपने भी नहीं देखी ना भाई अभी तो। अनु भाई एक पहले तो भाई आपको नाराज होना चाहिए कि आए क्यों नहीं शादी, उस दिन शादी में चलेगा भाई, आए नहीं। मैं अनु भाई का फूफा हूँ, नाराज हो जाऊंगा जो। ओ भाई भाई डिलीवरी पे बुलाए तो थे हमने, कटारे बोल रहा हूँ भाई। मैं ना देखो ब्याह में हो भाई, मैं नाचने पे लग रहा हूँ तगड़ा भाई, उधर रशियन थी भाई, हम भी नाच रहे थे यार। तो पूरी बात क्यों ना बताए, कौन था वहाँ? गाड़ी थी 6 रशियन थी। हाँ ना सॉरी 4 रशियन थी, 2 गोगो डांसर थी। तो गाड़ी तो आपकी नहीं होगी और रशियन आपके लिए होगी ना, वो इनके लिए होगी भाई। अगर भाई की कहीं लड़ाई हुई घर में तो मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ भाई अब ठीक है भाई, बहुत बहुत ज्यादा बिगड़ैल है, एनिवर्सरी आज लड़ाई ना होनी चाहिए, झूठ। अरे आप भाई को बहुत बहुत मुबारक, भाई और भाभी को हैप्पी एनिवर्सरी, लड़ाई मत करना गाइस, आ जाए ठीक है, आज लड़ाई ना करेंगे। और वो रशियन मेरी थी अब ठीक है भाई। हाँ भाई भाई जी हमारे साथ हैं हमारे अनु मास्टर जी, बिल्लू सांडा। मैं कह रहा हूँ कैसी लगी भाई गाड़ी? भाई मजा आ गया बिल्कुल।
लुक कैसी है गाड़ी? लुक एकदम प्यारी, कलर एकदम भाई मजेदार है। पब्लिक देख कैसे देखने लग रही है, गोर गोर के। या खोल दो ना छत है। खोल दूं? हाँ भाई। लो तो। और बताओ और क्या करना? पकड़ो मत उसको, कदा पकड़ लो। रोक दी भाई। लो ले तो फिर आगा, मजा मजा आगा भाई पूरा। चलो हम? हाँ चलो भाई, चलो मेरी तो हवा से बात करवा दो भाई। अभी करवा दो, आपको आपको स्पीड दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर। लेट्स गो। I feel like Neeraj Bhavana, sab udher denge rap ke main don bane sare inko chhed denge naam chale ek number gaadi baje tez bete real raha scene mein aur bande sare fake I feel like daya ho raha hyper kaise fame lenge underground 24 ghante life tode stage bete sabne dekhe bade kyunki sabne kare chase bete aage dhoonde ek ko wo karna chahti play strange fasten your seat belt do number kaam sare le liyo feedback Delhi mera sheher yahan pe call the scene lo ji aali gaadi aur aage hai jige अरे आगे की करनी है, निकट तो जाएगी। कितनी जगह इधर देखो, निकालनी है ना। मन तय चावे है, दो बात सुनाऊं। लग रही है भाई, किस खुशी में ट्रिम हो रही है? अरे वो गाड़ी वाड़ी बग रखी है कितने लक्ष्य को भाई, वो टाइम फ्रेस क्या है बताना भाई, क्यों डिलीट हो रही है भाई? मेरे ब्लॉग चैनल पे से वीडियो स्ट्रीम हो रही है, क्यों? क्योंकि अर्चित की वजह से फंस गया मैं। अर्चित की बंदी ने देख लिया, अर्चित को किसी अर्चित की बड़ी बंदी ने देख लिया और नहीं यार कोई सबसे बड़ी बंदी ने देख लिया, छोटी वाली बंदी को भी बोल दे यार। अर्चित के उसने देख लिया एम्प्लॉयर ने कि अर्चित तू तो मेरा मजाक उड़वाता है। नहीं कुछ ऐसी बात भाई, देखो फिर से मुझे बैटरी मांगी ये वाली वीडियो भाई, हमने पहली बात तो किसी का मजाक नहीं उड़ाया, वी डोंट इवन नो कि वो कौन है पर्सनली, ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं। मस्ती मजाक में था, मस्ती मजाक में था, और उसके पीछे अगर ये हमारा भाई हरास हो रहा है ना, सारा कुछ ना हो रहा है तो हम तो सारे कुछ भी कर देंगे अपने भाई के निया। कुछ ना हो रहा बता दे मैडम ते। सुन मैडम यार, से चार्जर को नहीं तेरे पाछे फेंक देंगे। राम राम लांडा लाले, राम राम। ठीक है है, के नाम था उस मैडम का? ठीक है ठीक है ठीक है, आ मजियो फोन के पास, वरना वो बोल दूंगा 143 वरना आई लव यू बोल दूंगा साढ़े उस बंदे आगे निकला हूं। जस्ट काजू कतली खा ली, और अभी तो मैं अभी तो हम जा रहे हैं पार्टी में, बहुत तगड़ी मल्होत्रा भाई की पार्टी में जा रहे हैं। धोखा भी तो दिया आपने कुछ लोगों को। मैंने धोखा दिया किसको? दिया भाई तू तो बोला लाइक नाइस टाइम, अभी ट्रिम नहीं हुई है, लैपटॉप नु बंद हो जाएगा। मैं तो भाई जिम चल रहा है, भाई जिम कल सुबह चल देंगे, आज सुबह मैं रेडी था, तू आया तू भग्गा। ठीक है भाई, ले तेरे शॉपिंग में दे देता। अरे क्या है भाई, भाई मैं अभी तैयार हो के अभी देखना क्या उड़ मेरा फेंक के मार रहे बंदे कुछ कुछ। अर्चित अर्चित की बॉस को ना कह दी थी मैंने आई लव यू, वो सारा पार्टी ट्रिम करवाने आया बेवकूफ। सुन ली यार रितिका मैम, ये क्या करा आपने? अच्छा लगता है अपने एम्प्लॉयज को इतना हरास करना है? बेचारा कितना उदास है, एकदम कुत्ते का मुंह बना का छोड़ी होकर चल दिया पार्टी में। आज तुम्हारा भाई पहना डेनिम शर्ट और ब्लैक पैंट और नीचे अपने लाल वाले वे जॉर्डन्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आप सभी लोगों से, और बताऊंगा कि इतने दिनों से मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना घट रही थी, सारी चीज़ें बताऊँगा, और लीगल प्रोसेस हमारा कहाँ तक पहुँच गया वो भी बताऊँगा कि और क्या क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस बारी मैं छोड़ने नहीं वाला भाई। जितने फर्जी रिपोर्टर हैं ना ये, इनके पीछे हाथ देकर अभी मोदा मारूंगा इन्हें। इन्हें पता लगनी चाहिए कि फेक न्यूज़ छापना हमारे देश में कितना बड़ा क्राइम है। बहुत लोग फेक न्यूज़ छापते हैं, छिक छिक के अपना नैरेटिव फैलाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है सोशल मीडिया में आग पकड़ने का, इतनी सी चीज़ का इतना सा बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा ये गमला चोरी वाली न्यूज़ इतनी से इतनी बड़ी कैसे हो गई, इनमें लेफ्टिस्ट लोग एकदम से कहाँ से आ गए, और हमारे दूसरे विपरीत धर्म वाले लोग जो सेक्युलर नहीं है जरा भी, वो कहाँ से आ गए एकदम से उठ के। सारी चीज़ें पता बताऊँगा तो मैं डिटेल में एक बार, बस मैं होके आ जाऊँ, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगा और बताऊँगा
कि आखिरी में गलती किसकी है, क्या हो सकता है और क्या होगा, और इनका क्या इलाज मान दूंगा मैं, एक बार इंजॉय कर लेना तो मेरे गाइस 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 सफाई टाइम। सफाई करते हैं ऐसे बहुत सारे पत्रकार है जो हमारे, एक लेटेस्ट न्यूज आई है भाई जी कि एक सो कॉल्ड पत्रकार है, पता नहीं किसने सर्टिफिकेट दिया उसको पत्रकार होने का, खुद ही दे दिया होगा शायद अपने आप को कि फेक पत्रकार। ही हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट ऑन मी, अ पुलिस कंप्लेंट ऑन मी कि एल्विश यादव ने मेरा नंबर लीक कर दिया और बहुत सारे लोग मेरे को थ्रेट दे रहे हैं, मेरे घर वालों को ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं मेरे को, ऐसे पुलिस कंप्लेंट उसने अपने ट्वीट पे करी है। क्या बोलना चाहेंगे आप बताइए? रोज रोज भाई मैं तो पता है, अरे उसके घर में रोटी जा रही है, कोई बात कर रही तो है, पर नूं कह रहा हूं ऐसी रोटी पचे ना है। रोटी छोड़ो, मैं तो कल भी कह रहा था आपको, बोलो ही मत भाई, इग्नोर मारो तुम, मत पता भी पता नहीं क्यों एडिटिंग मत कर। हां बिल्कुल मुंह मत लगा भाई, मैं बताता हूं इनका क्या होता है। जैसे ये पत्रकार होते हैं ये बार जूता फेंक के मारू जूते के नीचे का, भाई मैं बताता हूँ इनकी सच्चाई क्या होती है। ये जो पत्रकार होते हैं ना, मतलब जो अपने आप को सेल्फ क्लेम्ड पत्रकार होते हैं यार, बेचारे मुझे बहुत दया आती है इन पे यार, खासकर जिसने मेरे पे पुलिस कंप्लेंट करी है ना। बहुत मुश्किल से इस बेचारे का घर चल रहा था, उसके बाद इसने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि एल्विस का नाम लेके थोड़ा सा फेमस हो जाता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डाली मेरी रिकॉर्डिंग की जिसमें मैंने इसको एक आधी सुना दिया, मैं भड़काएगा मेरे को, मैं तो ये वो समझ रहा था अपने आपको, तो समझ रहा कि मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता भाई, मेरे को भड़काया, मैंने गाली बक दी। मेरे अलावा वो तो शुक्र है मैं था कि मैंने सिर्फ गाली बक के छोड़ दी ना, भगवान कसम आप लोग में से कोई होता ना, इतना उसने प्रोवोक करा, इतना उसने हरास करा इतने दिन से, तो मेरे को झूठे इल्जाम में हरास करा। और सुन लाडले, ये हरियाणा है, यहाँ पे गाड़ी ना चले कर, यहाँ पे सीधा डंडे चले। मेरी जगह कोई और होता ना, भगवान कसम उसे पीटता मजाक सेट के, वो तो मेरी वो समझ लो बड़प्पन समझ लो कि मैंने उसे सिर्फ गाड़ी देकर छोड़ दिया, क्योंकि इतना मेरे पे। एक तो सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई, किया कार्निवल में जो भी काम करा जिस मर्जी ने करा उसको मेरे से लिंक करना कि मीटअप में मेरी गाड़ी हुई थी। अब सपोज वो अपने किसी कोई भी आदमी अपने दोस्त की गाड़ी यूज़ करता है, अपने दोस्त का स्कूटर यूज़ करता है, किसी क्या वो उसका हो गया? नहीं हुआ ना। ऑब्वियसली बात है कि कोई किसी गाड़ी में बैठ के क्या अपना हक जता सकता? नहीं। अब मैंने वो मीटअप में यूज़ करी, इट डजेंट मीन कि वो मेरी गाड़ी है। दूसरी बात, ये पता लग गई, डीसीपी ईस्ट गुड़गांव ने बोल दी कि भैया एल्विश यादव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, उसका नाम ड्रैग करना छोड़ दो। उसके बाद भी ये और भी बहुत सारे फेक पत्रकार, कुणाल कमरा, बहुत सारे, मैं इनका नाम क्या लूँगा, परली साइड के लोग जो मेरे अगेंस्ट में हमेशा थे, मैं चाहे सही भी बोलूँ वो लोग तब भी मेरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं चाहे गलत बोलूँ तब तो करते ही हैं, पहली बात तो मैं गलत बोलता ही नहीं। चलो इन्होंने मेरे को क्रिटिसाइज़ करा, मेरे पे फेक इल्ज़ाम लगाए, इन्होंने एक फेक नैरेटिव बनाया कि एल्विश यादव ने ये सब करा है, और एल्विश यादव का उसमें इन्वॉल्वमेंट कितना परसेंट है, मतलब माइनस 0% इन्वॉल्वमेंट। ये सब पुलिस वालों ने खुद सफाई दे दी कि भैया एल्विश यादव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि मैं इंटरव्यू लेने आ रहा हूँ, ये करने आ रहा हूँ, वो करने आ रहा हूँ। मैंने कहा एक काम कर भाई आ जा। उसने बोला कि मेरे को इतना टाइम लगेगा, 23 मिनट लगा। मैंने कहा 23 मिनट मेरा फरीदाबाद में मीटअप है, एक काम करते शाम को मिलते हैं या फिर कल सुबह मिलते हैं, टाइम निकाल कर। हमको पटना जाना, ये जाना। मगा इतना टाइम नहीं है मेरे बेफालतू का कि तुम पे टाइम निकालो, तेरे को इंटरव्यू लेना था, मेरे को नहीं लेना था, बात करता। इसने भाई मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, तुम सोच नहीं सकते। झूठे इल्जाम अगर किसी दिन तुम पे लगेंगे ना और सोशल मीडिया पे तुम ट्रेंड करोगे झूठे इल्जाम के लिए, तब तुम्हें पता लगेगा कि भाई क्या बीतती है इंसान पे। क्योंकि मैं कोई रोबोट या मशीन तो हूँ नहीं, या पत्थर तो हूँ नहीं कि भाई हमें बुरा नहीं लगेगा कि कोई भी मेरे को आके, कोई भी टटपूंजी आके घर आए, गमला चुराए, सारे गमला सिर में फोड़ दूंगा मजाक से हट के, ठीक है। और रही बात ना बोलने वाली, भाई हम तो बोल लेंगे। ये अब तुम्हें साउंड कर रहा होगा एल्विश यादव में तो घमंड आएगा, घमंड नहीं, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो गमला चोरी के ऊपर फालतू फंडी की बकवास कर रहे हैं ना। दो चीज़ें कर सकता हूँ मैं, तुम्हारे सिर में गमला फोड़ सकता हूँ मिनट से पहले, कोई फर्क नहीं लग रहा मेरे तो फालतू बोलो, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा आगे। दूसरी चीज, इस सेल्फ क्लेम्ड पत्रकार ने बहुत सारी चीज़ें बोली, पता लग गया कि पुलिस ने बोल दिया कि भैया कोई वो नहीं, उसके बाद भी झूठे इल्जाम क्यों, ताकि इसको थोड़ा सा फेम मिल जाए। चलो मैं खुश हूँ, मेरी वजह से किसी के घर में रोटी चल रही है, किसी की बीवी पल रही है, किसी के बच्चे पल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। पर मैं अपना नाम बदनाम करके किसी घर में रोटी नहीं देना चाहता, रोटी खोस लूँगा उल्टी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे एल्विश भाई तुम तो टॉक्सिक हो रहे हो व्लॉग पे, भाई मैं ऐसा ही हूँ, देखो मैं रियल रहता हूँ, जैसा कोई भी एक रियल आदमी फेस करता है या फिर रियल आदमी फील करता है, मैं सीधा तुमको बता रहा हूँ कि भैया मैं ऐसा फील कर रहा हूँ और मेरे सामने ऐसा ऐसा हो तो मैं ये सब कर सकता हूँ। और दूसरी बात, देखो भाई मैं किसी भी चीज़ में इंक्लूडेड नहीं हूँ, तो जितने भी लोग मेरे बारे में फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कल से उनके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। लीगल नोटिस बन रहे थे बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स के ऊपर,
जो मेरा वकील है उनने भी रेडी कर दी, बहुत सारे लोग लग रखे हैं सारी चीज़ें छाट छाट के, जिन्होंने भी कमेंट भी करा है ना फेक न्यूज़ टाइप की कमेंट भी करा है, रुपया भर भर के एक एक की जेब में से रुपया निकालूंगा टाइम रहने से पहले, मजाक से हटके कह रहा हूँ मैं, और ये कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि भाई फेक एलिगेशंस लगना ऑनलाइन और वो इतना स्प्रेड होना क्या चीज़ हुई। मैंने अपने बायो में लिख रखा हिंदू, बहुत सारे लोग इस चीज़ से चिढ़ते हैं, मैंने अपनी गाड़ी के पीछे लिख रखा हिंदू, उससे बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं। तो जैसे ही ये चीज़ लागू हुई कि एलविश यादव ने ये गाड़ी यूज़ कर रखी है अपने मीटअप में, पूरी लेफ्ट लॉबी जो मेरे अगेंस्ट थी, चाहे मैं कुछ अच्छा करूँ या बुरा करूँ, दे आर ऑलवेज अगेंस्ट मी और मेरे खिलाफ नैरेटिव चलाने का, उन्हें एक मौका मिल गया कि एलविश यादव यहाँ पे इसको डिफेम करते हैं लोगों के आगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस वो सारी चीज़ें नहीं देखती कि इसने किया है नहीं किया है, वो बस भेड़ चाल चलती है कि ओ इन सब ने कह दिया फिर तो भाई एलविस ने ये सब करा होगा, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, विदाउट नोइंग द एक्चुअल रीजंस, किसी को कुछ नहीं पता। तो इस चीज़ के पीछे मेरे को बदनाम करा गया बेफालतू में, गमला चोरी छोड़ो किसी भी क्राइम में मेरा कोई हाथ नहीं, मैं बिल्कुल क्लीन चिट बंदा रहता हूँ, ना मेरा कोई पुलिस रिकॉर्ड, ये उठा के देख लो तुम कहीं से भी चेक करा लो, ना भाई मैं इन सब चीज़ों में पढ़ता, ना मैं कोई लफड़ा करता, मेरा एक NGO है जिसके अंदर मैं भाई हर सैटरडे भंडारा होता, बहुत अच्छे अच्छे काम करते, मेरे को बार बार ब्रैक करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम क्या करते क्या नहीं करते, बट फेक चीज़ों में गलत चीज़ों में मेरा नाम लिया जाएगा झूठा तो मैं तो देखो बोलूँगा, और मैं नहीं, अगर आप लोगों का नाम भी किसी झूठी चीज़ में झूठी अफवाह में फैलता तो भाई मेरा मानना ये है कि आपको भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी बायो में हिंदू लिखा है, मैं हिंदू धर्म को सपोर्ट करता हूँ, मैं अपने रिलीजन के लिए अड़के खड़े रहता हूँ, इससे ना बहुत लोगों की जलती है और बहुत लोग आके मेरे खिलाफ भाई झूठी कंप्लेंट्स झूठी अफवाह ये सब उड़ाते रहते हैं आए दिन, उनसे असर नहीं पड़ता बट जिस दिन कुछ बड़ा हो जाता है उस दिन भाई देखो हमारा बोलना लाजमी है। मेरे खिलाफ भाई ये बोला गया कि इसने उठाए हैं इनके फैमिली की गाड़ी है ये है वो है, परिवहन नाम की एक ऐप होती है उस पर गाड़ी का नंबर डालते हैं ओनर का नाम लिखा जाता है कि कौन है ओनर, मेरा नाम आया नहीं, मैं अपनी लाइफस्टाइल मेरा पूरी डेली लाइफ व्लॉगिंग पे दिखती है मेरे चैनल पे, वो गाड़ी दिखाई दी कि रोज़मर्रा में मैं यूज़ कर रहा हूँ नहीं, मेरे पे दो गाड़ी है फॉर्च्यूनर और पोर्श, इसके अलावा मेरे पे कोई गाड़ी नहीं है, वरना थी मैंने वो बेच दी, ये सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती बट ये मामला बहुत बड़ा हो गया इसलिए मेरे को सफाई देनी पड़ रही है। तीसरी बात, बहुत सारे तटपूंजिए रिपोर्टर जो मैं बोलता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, ये सारे लेफ्ट लॉबी के सारे अगेंस्ट, मैं किसी पार्टी को ऐसे ओपनली सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, हर आदमी किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता है देखो भाई, तो इससे इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो गया। अब जैसे सपोज कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, मैं नहीं बोल दूंगा वो गलत है, अब मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, आम आदमी को किसी को भी सपोर्ट करता हूँ, मेरे को नहीं बोलता गलत है, दिस इज आइडियोलॉजी। अगर मैं कोई चीज़ नहीं कर रहा और मेरी आइडियोलॉजी उसके ऑपोजिट है, उस चीज़ में मेरे को फंसाया गया, और जो इतने दिन से हरासमेंट मैं फेस कर रहा हूँ, आए दिन ऑनलाइन ट्रोलिंग, आए दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं मेरे को, मेरे यार दोस्तों पे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, दिस इज़ हरासमेंट, मेरे को अच्छा नहीं लगा। और ऑल दो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, बट नाम ख़राब हो रहा है, नाम भाई बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैं 2016 से लगा रखा हूँ, इतने टाइम से मेहनत करी, दिन रात मेहनत करता हूँ, रोज़ व्लॉग्स आ रहे मेरे मेन चैनल पर, वीडियोज़ आ रही, बहुत मेहनत लगती है उसमें, नाम बनाने में एक टाइम लगता है और उसको ख़राब करने में ये लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों के सामने आए कि मैंने क्या करा है एक्चुअल में और क्या नहीं करा, ये चीज़ है। तो सीधा सीधा पता लगता है, पुलिस वालों ने भी भाई बोल दिया अपना बयान, ऑनलाइन रिपोर्ट्स में भी आ गया, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो कि मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, और जितने भी लोगों ने मेरे खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाई है भाई उनकी तो देखो मैं ऐसे ही फाड़ूंगा, और मैं किसी को बख्शने नहीं वाला कि भाई दया आ गई हो ये गरीब घर से उस घर से इस घर से, भाई किसी घर से फेक न्यूज़ फैलाना एज अ क्राइम, और हमारे सरकार में बहुत सारे लॉज हैं डिफेमेशन और भी बहुत सारे हैं, जो कि अगर मैं आ गया अपनी वाली पे मैं करूँगा, और ये स्टार्ट हो चुका, कल से नोटिस जाने स्टार्ट हो जाएंगे, सबके एड्रेस निकलने लग रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो भाई जो हरासमेंट मैंने फेस करी है, होप करता हूँ आप लोग समझोगे कि भाई मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और बहुत सारी जगह देखी मेरी जनता मेरे सपोर्ट में थी, जो मेरे में विश्वास रखते हैं, मेरे में बिलीव करते हैं कि भाई एलविश भाई बिल्कुल सही हैं और उन्होंने कुछ गलत नहीं करा है, सबको दिल से धन्यवाद। और जितने भी ये फर्जी रिपोर्टर हैं इनको खूब गाली पड़ी है, देखा मैंने ट्विटर खोल के उसके यूट्यूब पे मेरी रिकॉर्डिंग डाल रखी थी जिसमें मैं उसको गाली पकड़ रहा हूँ, उसमें भी उसको गाली पड़ रही है, तो भाई तहे दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आगे से जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ सच का साथ दें, चाहे सच कड़वा हो चाहे मीठा हो चाहे झूठा हो कैसा भी हो, सच हो सच सच होता है भाई, उसका सपोर्ट करो,
गलत चीजों का बिल्कुल सपोर्ट मत करो। अगर मैं कभी बाद में गलत हूँ तो भाई मेरा भी सपोर्ट मत करना, पर जब तक मैं सही हूँ मैं चाहता हूँ कि भाई जनता मेरे साथ खड़ी रहे और जम के मेरा सपोर्ट करे, क्योंकि ऐसे फर्जी आए दिन ना किसी दूसरे आदमी पर इल्जाम लगाएंगे, वो सही है मैं तो चलो फिर भी झेल गया, कोई आम आदमी नॉर्मल आदमी जिसके मेंटालिटी थोड़ी कमजोर हो, दिल थोड़ा कमजोर हो, वो फिर भी झेल नहीं पाएगा, और क्या पता कोई सख्त कदम उठा ले, क्योंकि ऑनलाइन ट्रोलिंग इतनी गलत होती है ना, आदमी क्या भरोसा क्या से क्या स्टेप ले ले। तो भाई हम तो झेल गए, क्या पता कोई ना झेल पाए, और ऐसे वल्चर्स ये आने वाले टाइम में किसी दूसरे आदमी पर भी इल्जाम लगाएंगे झूठे, क्या पता वो बेचारा ना झेल पाए। तो मैं चाहता हूँ इनको एक्सपोज करो आप, और जहाँ भी झूठी खबर मिले भाई उनको रिपोर्ट करो, लीगली एक्शन लो, मैं तो ले रहा हूँ, और आगे से भाई आपको भी कोई ऐसा झूठी खबर फैलाता कोई रिपोर्टर दिखे, फर्जी रिपोर्टर, सेल्फ क्लेम्ड रिपोर्टर, इनको आके भाई आगे से आके जवाब दो। और बाकी इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, होप करते हो आप लोग समझोगे मेरी बात, और अपने भाई पर विश्वास रखना, सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और भगवान करे आगे से। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर इस ड्यूरेशन में मेरे साथ कुछ गलत होता है, कुछ भी मेरी फैमिली के साथ गलत होता है, तो भाई जिम्मेदार लेफ्ट लॉबी के लोग हैं, नाम आप सभी लोगों को पता, मैं नाम लेके किसी को फेमस नहीं करना चाहता, बट हाँ जिसने अभी ताजा कंप्लेंट करे ना मेरे खिलाफ, ये झूठी अफवाहें रचा रहे हैं, और कुछ भी मेरी फैमिली के साथ होता है या मेरे साथ होता है तो भाई समझ लेना किसने करा है किसने नहीं करा। बाकी व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तुम्हें पता है क्या करना है, इसको शेयर करो ज़्यादा ताकि लोगों तक पहुँचे और उन्हें पता लगे कि सच क्या है। धन्यवाद।